भिंड महाराष्ट्र में हुई दो साधुओं की हत्या को लेकर स्वामी वैराग्य नंद धर्मगुरु मिर्ची बाबा लॉकडाउन खत्म होते ही महाराष्ट्र सरकार को इन साधुओं की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है उसके प्रति सख्त कार्रवाई करनी होगी। साधु संतों के साथ अपमान सहन नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो साधु संतों को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरने का ऐलान किया। मिर्ची बाबा उर्फ वैराग्यगिरी महाराज की जन्मभूमि भिंड जैसे ही आती है तो वहीं भिंड जिले की पुरानी गढ़िया आश्रम के संत महामंडलेश्वर मोहनानंद जी महाराज ने भी साधुओं के निर्मम हत्या को लेकर सरकार को चेताया है। कहा, यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी अखाड़े से बात हुई है और लॉकडाउन खत्म होते ही सभी संत महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे। पुलिस के सामने उन महात्माओं को बेरहमी से मारा जाता है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस वक्त देश कोरोना जैसी महामारी आपदा से जूझ रहा है। भारत के सारे धर्मगुरु अपने अपने आश्रमों में बैठ के यज्ञ अनुष्ठान कर साधना कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी बीच में इस देश में रहने वाली ये उग्रवादियों की संतान जो पुलिस पर प्रशासन पे पत्थर फेंकते हैं, कभी डॉक्टर पे पत्थर फेंकते हैं, कभी भारत के महात्माओं को घेर के मारते हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मैं कहना चाहता हूं, जिस गेरुआ को ये ध्यान दें, इसके लिए हम और प्रयास करेंगे। खड़ा प्रसाद से मैं महामंडलेश्वर होते हुए पूरी प्रयास करूंगा और ये जो 3 तारीख के बाद में जब ये खुल जाएगा तो हम लोग इसके लिए पुरजोर हर तरह से प्रयास करेंगे कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए और कठोर दंड उन्हें मिलना चाहिए। जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा ही कम है इन लोगों के लिए। इस तरह साधुओं के साथ में ये धर्मबद्ध कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।